अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। मारूफ आलम दीन मौलाना डॉक्टर आजम खान के कातलों की गिरफ्तारी की इतला देने पर इनाम रख दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक मौलाना आजम के कातलों की इतला देने वाले को 50 लाख रुपये इनाम दिए जाएंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार अली से। जी ज़ुल्फ़िकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से जारी इलामिये के मुताबिक मौलाना आदल के कातलों की इतला देने वाले को 50 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद इनामी रकम का ऐलान किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मुलजमान की इतला किसी भी करीबी थाने में दी जा सकती है। इतला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि मोहतमम जामिया फरूकिया मौलाना आदल को 10 अक्टूबर को कराची के इलाके शाह फैसल कलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके शहीद किया था। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।